हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स। यहाँ पर एएफसी एशिया कप का मैच हो रहा है 8:30 बजे जॉर्डन वर्सेस कोरियन रिपब्लिक के बीच। आज फुटबॉल का कोई मैच नहीं था, क्रिकेट के सारे मैच एनालाइज थे, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई फुटबॉल की वीडियो पहले ही डाल दी जाए कि आप लोगों को पता चल जाएगी ये मैच कैसा है। तो 8:30 शाम को होगा ये मैच। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, जो लोग नए हैं उनको बता दूँ कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, तो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, देखिए भाई मैंने इस मैच के कुछ मेन इन्फॉर्मेशन निकाली हुई थी जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे। तो जॉर्डन और कोरिया के बीच मैच हो रहा है। देखो, सब जानते हैं कि कोरिया टीम एक एएफसी लीग तो छोड़ो गाइज, ये फीफा में भी बहुत अच्छी रैंक पे रहती है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जॉर्डन टीम और कोरिया का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोरिया टीम बहुत आगे। लेकिन मुझे साउथ कोरिया ने एक जगह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, और वो जगह क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं कोरिया से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि इन्होंने गोल खाए बहुत हैं। देखो, मैच जीतना अच्छी बात है, गोल करना अच्छी बात है, लेकिन एक बड़ी टीम जब एक छोटी टीम से गोल खाती है तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेशन, और छोटी टीम्स के हाथ खुल जाते हैं कि वो किसी भी टीम को गोल कर सकती है। मतलब ये वाली नेगेटिविटी हो जाती है उनके मन में, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम तो भाई बादशाह है। तो जॉर्डन भी यही सोच रही होगी कि हम कोरिया को एक आध गोल करेंगे, और अंदर से मैं सच बोलूँ तो मुझे भी शक है कि जॉर्डन गोल कर ही ना दे। और 2-3-4-10 मेंबर कॉन्टेस्ट आपने इस मैच में खेलना है। सम की प्लेयर एंड कैप्टन सजेशन की बात करें तो एच मिन सन, देखिए भाई एच मिन सन इज़ अ ग्रेटेस्ट प्लेयर प्रीमियर लीग के अंदर, हॉटस्पुर की तरफ से मेन प्लेयर का किरदार निभा रहा है प्लेयर, उसके बावजूद भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक में भी दोनों तरफ, और इतने ज़्यादा गोल हैं इसके नाम, इतना ज़्यादा फॉर्म में रहने वाला ये बंदा है कि क्या कहूँ। उसके बाद एलकैंगिन की बात करें, एलकैंगिन इज़ अ गुड प्लेयर। एलकैंगिन ने पहले मैच में 2 गोल करके स्पष्ट कर दिया कि भाई मैं तो स्ट्रांग हूँ, और इस बंदे को पेरिस सेंट जर्मन इसको ज़्यादा चांस दे ही नहीं रही। मैं आपको लिख के कह दूँ, अगर इसको चांस मिले तो ये गोल करने से पीछे नहीं हटने वाला। और गाइज, हमारा नेक्स्ट प्लेयर जो होने वाला है वो है एच ही चैन, और ये खिलाड़ी दोस्तों प्रीमियर लीग में भी खेलता है, जो कि भाई इसकी मतलब डोमेस्टिक लीग है जिसमें एच ही चैन के अनगिनत गोल हैं, और ये तीनों प्लेयर सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं कोरिया के। और आगे से बात करें वो एच इन ब्योम, एच इन ब्योम इज़ अ मस्ट पिक, बिकॉज एच इन ब्योम का गोल एक्सपेक्ट नहीं है, असिस्ट एक्सपेक्ट नहीं है, सिर्फ बंदे से मैं ना गोल चाहता हूँ ना असिस्ट चाहता हूँ, क्योंकि ये बिना गोल करे बिना असिस्ट करे भाई 30-40 पॉइंट यूँ ही दे देता है, तो इसलिए एच इन ब्योम यहाँ पर ज़रूरी है। उसके बाद एक प्लेयर है सी गियो संग, उसको मत लेना क्योंकि वो चल नहीं रहा पूरे सीज़न के अंदर, वो भी कोरिया का है। तो ये मैं 4 ही प्लेयर कोरिया के सजेस्ट करता हूँ आपको जो मेन है, ठीक है। एंड आगे से बात करें तो यहाँ पर है एमएल तमारी। देखिए, एमएल तमारी और वायल नेमत में से हम हर बार एक ही प्लेयर ले पा रहे थे जब हम जॉर्डन को फेवर नहीं करते थे, तो आज जैसे कि मैं जॉर्डन को फेवर नहीं कर रहा, लेकिन तब भी आज मैं दोनों प्लेयर के साथ इसलिए जा पा रहा हूँ क्योंकि एच ही चैन को इन्होंने स्ट्राइकिंग से हटा के मिडफील्डिंग में डाल दिया, तो ये बहुत अच्छा किया क्योंकि एमएल तमारी और वायल नेमत यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, और दोनों प्लेयरों में से एक ना एक का गोल आ सकता है। और मार्दी की बात करें, मार्दी ने पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो मेरे को उसके बाद मेरे को एक्सपेक्ट था कि कुछ करेगा, लेकिन मैं इसको कैप्टन भी नहीं रख सकता ना वाइस कैप्टन। आप ये लगा लो, अगर जॉर्डन के फेवर में भी आज मेरी टीम होती तो भी मैं ना रखता। तो इस प्लेयर को सीधा सीधा ये है, सिर्फ आप इस प्लेयर को टीम में लो, इसको देखोगे क्या करता है। आप देखो, आप ग्रैंड लीग तो खेल नहीं रहे, स्मॉल लीग में आपको एक रेयर कॉम्बिनेशन अगर चाहिए भी तो भी आप कोरिया के ही कैप्टन वाइस कैप्टन रखोगे, इसलिए इसको सिर्फ ले लो टीम में। एंड बिग इंजरी की बात करें, कोई खास बिग इंजरी है नहीं, सारे बड़े प्लेयर खेल रहे हैं। आगे से बात करें विनिंग चांसेस की, तो विनिंग चांसेस के अंदर विनिंग 19% है जॉर्डन के, सिर्फ 19, और बचे कुछ 81% है भाई कोरिया के, तो कोरिया टीम बहुत आगे है। उसके बाद गोल चांसेस की अगर बात करें तो 1 गोल जॉर्डन का एक्सपेक्ट जरूर रखना, मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है, जॉर्डन का 1 गोल, और कोरिया के 2 से 3 गोल आ सकते हैं और जॉर्डन का 1 आ सकता है। मतलब ये मैच क्लीन शीट से शायद ही जीत पाएगी कोरिया, उम्मीद तो मुझे नहीं है, बाकी पता चल जाएगा आपको। तो चलते हैं आगे, तो आपको स्ट्राइकिंग की ओर लेके चलता हूँ। तो बात करें स्ट्राइकिंग की, देखो भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर एच मिन सन को यहाँ पर मैं ज़रूर लूँगा। एच मिन सन इज़ अ ग्रेट प्लेयर, एच मिन सन ने हर मैच के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया। पहले मैच में बहरीन के अगेंस्ट नहीं चला, बट पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया को भाई बता दिया था इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसका मैच में जो गोल आया था वो एक्स्ट्रा टाइम के बाद आया था, और अगर ये ना आता तो भी मैंने जीत जाना था, लेकिन एक बंदे की इज्जत होती है भाई, इस बंदे ने गोल किया, बहुत खुशी हुई मेरे को। मेरा कैप्टन भी गोल करके गया, मेरे वाइस कैप्टन जो मिडफील्डिंग में था ऑस्ट्रेलिया का सी गुडविन, उसने भी गोल किया, तो मैं बहुत खुश था। एंड नेमत की बात करें, देखिए भाई मैं वायल नेमत को लूँगा। वायल नेमत
नेमत ने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस अगर इस साल वाईएल नेमत और एमएल तमारी ना चलते तो मुझे नहीं लगता कि जॉर्डन यहाँ तक पहुँचती। मैं क्लियर बता रहा हूँ, ये 3-4 मैच के बाद ही बार हो जाती, लेकिन इतनी अच्छी पावरफुल गेम खेली है जॉर्डन ने, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स को इन्होंने मात दी है, इतने अच्छे अच्छे गोल किए हैं। तो भाई सिर्फ इनमें से 2 प्लेयर को मैं सबसे ज़्यादा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगा, जिसमें एमएल तमारी और वाईएल नेमत का तगड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है भाई जॉर्डन के लिए। और मिडफील्डिंग की बात करें, एल कैंग इनको तो आप लोगे, क्योंकि भाई लेना ही पड़ेगा, जिस हिसाब से वो फर्स्ट मैच में खेल गया ना, उसके बाद इससे नज़र नहीं हट सकती। उसके बाद एच ही चैन पिछले मैच के अंदर मेरी पूरा भाई साहब, मैं जो एक्सपेक्ट किया पूरी इज्जत रखी इस बंदे ने मेरी, मैंने इसको कहा था चलेगा, लेकिन इस बंदे ने गोल, असिस्ट, 3 शॉट ऑन टारगेट, वाइस कैप्टन का सेकेंडरी ऑप्शन बनकर दिखाया मुझे। अगर मैं आज एल कैंग इनको वाइस कैप्टन नहीं रखता तो आप बेधड़क आप एच ही चैन को भी रख सकते हो, मैं आपको क्लियर बता दूँ। उसके बाद एच इन ब्योम सिर्फ पॉइंट देगा, ये मैंने आपको पहले बोल दिया, इससे गोल मत एक्सपेक्ट करो, गोल नहीं भी आएगा तो भी आपको टेंशन नहीं, क्योंकि आपको मतलब होना चाहिए पॉइंट से। तो ये 30-40 पॉइंट बिना गोल करे दे जाता है। और मारदी की बात करें, देखिए मारदी मैंने आपको कहा था पहले मैच में चला था, उसके बाद चला नहीं, क्योंकि वो इसकी ओरिजिनल गेम नहीं है, ये असिस्ट के लिए जाना जाता है, गोल कभी कभी करता है, तो इसलिए गोल ना भी करे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मिड डिफेंडिंग की बात करें, देखिए भाई केमिन जय बहुत पुराना प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर, इतनी अच्छी अच्छी लीग्स में ये बंदा खेला है, और जिस प्लेटफॉर्म पे ये खेलता है, मतलब कभी बंडसलीगा तो कभी प्रीमियर, मतलब जब भी ट्रांसफ़र होता है तो एक बड़ी लीग में इसको एंट्री मिलती है, वो भी किसी बड़ी टीम में, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया है, बंडसलीगा में भी अच्छा प्रदर्शन था। उसके बाद के योंग वॉन की बात करें, के योंग वॉन तो शायद उसमें खेलता है कोरियन लीग में, तो K1 लीग के अंदर के योंग वॉन के ज़्यादा मैचेस मैंने कवर नहीं किए, लेकिन मैं इसको जानता अच्छी तरह से हूँ, बंदा बहुत काम का है। एंड एस यंग वू की बात करी थी कि यंग वू को जान के ले रहा हूँ, क्योंकि मैं 4 डिफेंडर अगर आज लेता हूँ तो बहुत रिस्की हो जाएगा यहाँ पर मामला, क्योंकि यही 3 प्लेयर हैं जो कोरिया के मेन डिफेंडर के नाम से जाने जाते हैं। एंड गोलकीपिंग की बात करें, गोलकीपिंग में लूँगा वाई अबू लैला को, तो देखते हैं भाई कैसा खेलता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो है, जिस बंदे ने तजाकिस्तान के अगेंस्ट क्लीन शीट लगवा दी तो वो अच्छा ही होगा। एंड बात करें कप्तान की, कप्तान है मेरा एचमिनसन, वाइस कप्तान एल कैंग, इनकी जगह आप एच ही चैन को रख सकते हो, क्योंकि एच ही चैन गोल करने में सक्षम है, वो कभी भी गोल कर सकता है किसी भी मैच में, बट सेव जाने देन एल कैंग इन इज़ गुड। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।